खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों पर गंदगी और नालियां बंद होने से सड़कों पर नाले का गंदा पानी देखने को मिला। जहां सड़कों पर गंदा पानी होने से सड़क के किनारे होकर मंत्री ने लोगों का हाल जाना और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पानी की निकासी की जाएगी। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। बारिश कम हो तो पक्का भी बनता रहे, दोनों का हम काम चलता भी रहे और एक उससे बन जाए जेसीबी से तो पानी न रुके। कि हमारा पहला काम तो है कि लोगों को पहले जल भराव से मुक्ति देना, उसके बाद हम धीरे धीरे सभी निर्माण को करा लें। काजीपुरा बलिया शहर का काजीपुरा में आज मैं गया था क्योंकि त्यौहार आने वाला है और त्यौहार में लोग जिस तरह से नारकीय जीवन में वो लोग जी रहे हैं, और मुझे बताया गया आज जो है कि पिछले कई वर्षों से कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर आज तक देखने भी नहीं आया कि हम लोग किस तरह से जीते हैं। और काजीपुरा के साइड में और उधर उसके पीछे भी हरिजन बस्ती है, मैं देखा वाकई बहुत नारकीय जीवन में वो लोग जी रहे हैं। घर से निकल रहे हैं तो पानी में निकल रहे हैं और ये बहुत दिनों से है। मैं भी पहली बार वहाँ पर मैं गया था और मुझे देख करके बहुत ही कष्ट हुआ। तो कल मैं भी तत्कालिक निर्देश दिया हूँ कि वहाँ पर टुकड़ा और कुछ बालू ये करके कम से कम लोगों को आने जाने की अभी सहूलियत तत्कालिक रूप से कल किया जाए। कल से उस पर गिरने लगे टुकड़े और बालू, जहाँ जहाँ इस तरह की स्थिति है। मिठी में भी मैं देखा कई जगहों पर वहाँ पर लोग पानी में है तो वहाँ पहले टुकड़ा और बालू गिर करके कम से कम लोगों को आने जाने का रास्ता हो जाए और उसके बाद हम उस नाली को सफाई कराएंगे।